उमेर शवेरिया, उमेर शवेरिया, उमेर शवेरिया, तुम्हारी क्या हालत हो गई है? मैं मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे अम्मी और ईशा की फिक्र हो रही है। तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, तुम अपनी परवाह किए बिना भी मुझसे अपनी माँ और बहन के बारे में सवाल कर रहे हो? चवेरिया, मैं यहाँ हूँ, वो लोग घर में अकेली है, फिक्र हो रही है मुझे उनके, कहीं जलाल ने कोई हरकत तो नहीं की ना? ये सारी मुश्किलें तुम्हारी बहन ने खुद अपने लिए चुनी है, गलती उसने की है, सुजा तुम्हें क्यों मिल रही है? क्या हम सब नहीं जानते कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और इल्लीगल वेपन का केस तुम पे झूठा है? ये सब कुछ मलिक इजलाल ने करवाया ताकि वो तुम्हारी बहन को शादी के लिए प्रेशराइज कर सके। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ईशा की शादी उस इजलाल जैसे दरिंदे से नहीं होने दूंगा। ये सब बातें तुम्हारी बहन को पहले सोचनी चाहिए थी, उनके घर जाने से पहले, उनसे दोस्तियां बढ़ाने से पहले। तुमने जो मुश्किल सितम बनाया हो उस पे मैं क्या कहूँ? मम्मा मेरी वजह से हर्ट हो रही है, अंकल मुझे डांट रहे हैं, मेरे इतने फोर्स करने के बावजूद अंकल केस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मलिक इजलाल इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा, वो ऐसे हार नहीं मानेगा, और तुम यहाँ सड़ते रहोगे। यही तो फिक्र मुझे खाए जा रही है कि अम्मी और ईशा का क्या होगा। टू मच उमेर, मैं यहाँ तुमसे तुम्हारी बात कर रही हूँ, और तुम्हारी हर बात तुम्हारी माँ और बहन से शुरू होकर उन्हीं पे खत्म होती है। पहले यहाँ से निकल तो जाओ, फिर करते हैं इस बारे में बात। चवेरी, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो तो प्लीज अम्मी और ईशा का ख्याल करना, तो तुम मेरी फिक्र मत करो। मेरे साथ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो मार देंगे वो लोग, क्या मुझे तो कुछ देखना भी और ईशा का ख्याल रखता, वादा करो मुझसे। मैं तुम अपनी बहन की मोहब्बत में पागल हो गए हो, मैं इस हालत में देख के कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें इस बात का अंदाजा है? मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालूंगी, और तुम हमेशा के लिए मेरे साथ कनाडा वापस चल जाओ। रिमेम्बर,